आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम बात करेंगे अर्जुन लाल सेठी की। उनका जन्म 9 सितंबर 1880 को जयपुर में हुआ था। वे क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी और शिक्षक थे। सेठी ने कलेक्टर का पद भी ठुकरा दिया। उनका मानना था यदि उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन के तहत काम किया तो राष्ट्र की आजादी के लिए काम कौन करेगा। रास बिहारी बोस ने उन्हें राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की जिम्मेदारी सौंपी। इंदौर में कल्याणमल महाविद्यालय के प्रधान अध्यापक के रूप में काम करते समय सेठी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल यानी 1922 तक हिरासत में रखा गया। 1923 में सेठी के पुत्र प्रकाश को गंभीर बीमारी हो गई। सेठी को टेलीग्राम भेजकर शीघ्र जोधपुर आने का अनुरोध किया गया। उसके साथ ही सेठी को एक और टेलीग्राम मिला जिसमें गतिविधियों की बैठक के लिए बंबई जाने को कहा गया था। बेटे का प्यार भी उन्हें कर्तव्य की राह से विचलित नहीं कर सका। अर्जुन लाल सेठी का जीवन आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। 79 वर्ष पहले आज ही के दिन 1943 में भारत माता के 4 बहादुर सपूतों को ब्रिटिश साम्राज्य से विद्रोह करने के लिए फांसी पर लटका दिया गया था। 1942 में जापानी सेना ने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र अंग्रेजों से छीन लिया था। उस समय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज ने जापान की सहायता से देश को ब्रिटिश शासन से आजाद कराने के लिए भारतीय युवकों की भर्ती का फैसला किया। 1942 के आखिर में लीग के 20 प्रशिक्षित युवक भारत में प्रवेश करने में सफल हो गए, लेकिन इसके तुरंत बाद उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से 4 युवकों को राजा के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए मौत की सजा सुनाई गई। ब्रिटिश ताकत के सामने निर्भीकता से अडिग वे भारत माता के 4 सपूत थे। त्रावणकोर के अब्दुल कादिर वायकॉम, त्रिपुरा के सतेंद्र चंद्र बर्धन, केरल के आनंदन और पंजाब मेहसाणा के फौजा सिंह। अपने पिता के लिए अब्दुल कादिर का यही अंतिम पैगाम था, मेरी मौत को देखकर मेरे लिए दुख मत करना। एक दिन आप जान जाएंगे कि मैंने कितनी शांति और बहादुरी से मौत का सामना किया, तब आपको गर्व और प्रसन्नता होगी। 1918 में आज ही के दिन पंजाब में गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी शंभू दत्त शर्मा का जन्म हुआ था। 1942 में 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना की नौकरी छोड़ी और महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए। शंभू दत्त शर्मा को स्वाधीनता संग्राम के दौरान कई बार जेल हुई। 15 अप्रैल 2016 को 97 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। अलीगढ़ के मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया। वर्ष 2021 का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास में विशेष महत्व है क्योंकि आज इसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एक तरफ तो आधुनिक शिक्षा की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो दूसरी तरफ स्वाधीनता आंदोलन में भी योगदान दिया। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने असबाबे बगावते हिंद पुस्तक में ब्रिटिश शासकों की आलोचना की थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अनेक नेता निकले जिन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उनमें मौलाना हसरत मोहानी, राजा महेंद्र प्रताप, अली बंधु, खान अब्दुल गफ्फार खान आदि शामिल हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी। बाद में वे जर्मनी चले गए। 1915 में अफगानिस्तान में निर्वासित सरकार की स्थापना का विचार उन्होंने ही दिया था। ये पहली निर्वासित सरकार थी। ये क्रांतिकारी कदम था और स्वाधीनता संघर्ष के इतिहास में सदैव के लिए अमर हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी राष्ट्र की स्वतंत्रता के संघर्ष को तेज करने की गतिविधियों का केंद्र बन गई। ऐसा ही एक पहला असहयोग आंदोलन मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के विद्यार्थियों ने चलाया। इन घटनाओं की रिपोर्ट मिलने पर महात्मा गांधी और अली बंधु अलीगढ़ आए और विद्यार्थियों से सरकार नियंत्रित संस्थानों का बहिष्कार करने की अपील की। कैप्टन अब्बास अली भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही पढ़े थे। वे कुछ ऐसे भारतीयों में से हैं जो भारत की स्वतंत्रता के लिए मलय में आजाद हिंद फौज में शामिल हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने न सिर्फ संघर्ष को भारत की सीमाओं से बाहर फैलाने में प्रमुख भूमिका निभाई, बल्कि ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बहुप्रतीक्षित बौद्धिक चेतना पैदा करने में भी सहायक बनी। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।